उधर चिली में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा को जन विरोध के आगे झुकना पड़ा है। उन्होंने इमरजेंसी हटा ली है और उसके लिए देश की जनता से माफी मांगी है। इससे पहले देश में लगातार जन प्रदर्शन हुए। इस जन विरोध को नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ विद्रोह माना जा रहा है। ऐसे रुझान कई दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में भी देखने को मिले हैं। इस नए घटनाक्रम पर एक चर्चा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है न्यूज platform.in के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन और हमारी सहयोगी रितिका। रितिका शुभ्रा, ये जो चिले में प्रदर्शन चल रहे थे पिछले एक हफ्ते से, अब वहां के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने ना सिर्फ जनता से माफी मांगी है बल्कि वहां लगी इमरजेंसी को भी हटा लिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चिले में जो लोगों का प्रदर्शन था वो ना सिर्फ सरकार के खिलाफ था बल्कि वहां बढ़ रही इनइक्वालिटी के खिलाफ था, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ था। तो उनका ये पूरा प्रदर्शन, उनकी मांगे क्या संदेश देती है, क्या जनता अब नव उदारवादी नीतियों को नकार रही है, ये समझने के लिए हम चलेंगे सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी बताइए, चिले में जो लोगों का प्रदर्शन है ये नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ क्या संदेश देता है? देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि ये जब प्रदर्शन शुरू हुए तो मेट्रो की का जो किराया बढ़ाया गया उसके विरोध में शुरू हुए। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में कहीं भी जब जो जन प्रदर्शन होते हैं उसका कोई एक तात्कालिक वजह होती है जिससे वो आरंभ होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजहें लगातार जो इकट्ठी होती गई होती हैं वो होती हैं। तो चिले का में भी जो पिछले काफ़ी समय से जो असमानता है, इनइक्वलिटी है, इसके अलावा वहाँ पर जो अलग अलग तरह से विभिन्न वर्गों की जो समस्याएँ बढ़ती गई और जो सरकारी नीतियों की वजह से बढ़ती गई, ये उसके विरोध में वहाँ के लोगों का एक आप कह सकते हैं कि विद्रोह है। क्योंकि अगर केवल मेट्रो के किराए की वजह होती तो जैसे ही मेट्रो का किराया कम किया गया वो चीज़ें समाप्त हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई और वो लगातार लाखों की संख्या में। देखिए, अगर वहाँ पर 10 लाख लोगों का प्रदर्शन होता है, चिले की आबादी 1,81,00,000 है, यानी 2 करोड़ भी नहीं है, अगर वैसे देश में 10 लाख लोग सड़क पे आकर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा उसमें भाग ले रहा है। तो और वहाँ एक नहीं, कम से कम 3-4 ऐसे मौके आए पिछले दिनों जब लाखों की संख्या में लोग राजधानी सांतियागो और दूसरी जगहों पर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। चिले को लैटिन अमेरिका में अपेक्षाकृत समृद्ध देश माना जाता है, लेकिन उस समृद्ध देश के भीतर भी जो असमानता है या जो लोगों की सामाजिक सुरक्षा है, लोगों के लिए जो पेंशन का सवाल है, उनकी एजुकेशन का सवाल है, ये सारे सवाल खासकर ये जो राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, इनके शासनकाल में गहराती गई है। ये दक्षिणपंथी नीतियों के समर्थक हैं और ये एक इन्होंने आने के बाद जिसको कि यूरोप में ऑस्ट्रेटी की पॉलिसी कही जाती है, जिसमें सरकारी खर्चों में सामाजिक कल्याण के कार्यों में कटौती करके जो बाजार के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने की कोशिश की जाती है, उस तरह की नीतियों पे ये तेज़ी से चले और उसका नतीजा था कि चिले में को आज ये इस तरह की स्थिति आई है कि आज खुद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। और जो इमरजेंसी पहले दिन जब ये प्रदर्शन हुए तो सख्ती से इसे दबाने की कोशिश में इन्होंने लगाई थी, उसे अब वापस लेना पड़ा है। लेकिन यह जो हुआ है इसे सिर्फ एक घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आपने सही कहा कि चिले में पिछले दशकों से जिन नीतियों को चलाया गया है, और उसमें सिर्फ दक्षिणपंथी पार्टी नहीं बल्कि वहाँ की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी लगभग उन्हीं नीतियों में थोड़े फेर बदल के साथ चलती रही, उसके खिलाफ जनता का ये एक विद्रोह है। जी बिल्कुल, बात अब हम करेंगे अर्जेंटीना की, जहाँ पर अल्बर्टो फर्नांडिस ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो अर्जेंटीना के, सत्येंद्र जी, अर्जेंटीना के जो चुनाव नतीजे आज आए हैं वो क्या संदेश देते हैं नव उदारवाद के खिलाफ? वही बात है जो चिले की बात थी, वही बात है कि वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति मैक्वे थे उनके शासनकाल में बहुत तेजी से नव उदारवादी नीतियों पर देश चला और उसका नतीजा है कि उसके जो जन असंतोष पैदा हुआ उसका परिणाम आज राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला, जिसमें कि जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर कैंडिडेट हैं उनको एक बहुत भारी जीत मिली। पहले ही राउंड में वो जीत गए। उन देशों में आपको पता है कि वहाँ पर जो चुनाव प्रणाली है उसमें एक न्यूनतम वोट लाना आवश्यक होता है अगर आपको जीतना हो तो,
तो वो वोट की जो संख्या है अर्जेंटीना में 45% है, 45% है जिसको वो फर्स्ट राउंड में हासिल करने में कामयाब रहे। और ये लेकिन यह बात सिर्फ चिले और अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम लोग देखें तो लैटिन अमेरिका में जहाँ पर कि 2000 से 2010 के बीच ज़्यादातर देशों में लेफ्ट पार्टियों की सरकारें आई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ एक रिवर्सल हुआ और ज़्यादा बहुत से देशों में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें आती चली गईं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा देखने को लग रहा है कि चाहे अर्जेंटीना हो, बोलीविया हो, उरुग्वे हो, या ब्राज़ील के भीतर में भी हाल में जैसे प्रदर्शन देखने को मिले, हालांकि वहाँ पर अभी जो सरकार है वो तो घोर दक्षिणपंथी सरकार है, इसके बावजूद जिस तरह से लाखों की संख्या में लोगों ने आके सड़कों पर प्रदर्शन किए हैं, उसमें यह संकेत जरूर लिया जा सकता है कि जो जिन नीतियों पर ये सरकारें चली हैं और जिनके पीछे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन रहा है, वो उसके खिलाफ जनता में एक विद्रोह आ रहा है। खुद अमेरिका में भी जिस तरह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जिस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, उसका संकेत यह है कि नौ उदारवादी नीतियां जो 1990 के बाद जिन पर खुलकर अमल किया गया, उनको एक बड़ी चुनौती जनता के स्तर पर दी जाने लगी है। जी बिल्कुल, यानी नव उदारवाद के खिलाफ, न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ जनता अब सड़कों पे है। जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें काफी मायने रखती हैं। शुभ्रा, शुक्रिया आपका। ऋतिका, शुक्रिया सत्येंद्र जी ये पूरे विश्लेषण के लिए।